इस विद्या को जिसने पा लिया वो सर्वोपरि हो जाता है। सर्वोपरि बाहर से चाहे साधारण दिखे, सर्वोपरि हो जाता है। ये वो विद्या है। झूठ कपट से अपना अंतरात्मा दब जाता है और मन शैतान भटकाता है। जितना सच्चाई रखते ना उतना मन दिव्य होता है। गुरु से छुपावे तो फिर किसके आगे खोलेगा? गुरु से धोखा किया तो फिर कहाँ बचेगा? कभी रावे नर अंध है, हरि को कहते और गुरु को कहते और। हरि रूठे गुरु ठौरे, गुरु रूठे नहीं ठौर। हरि नाराज हो जाए तो गुरु बचा लेंगे, गुरु नाराज हो जाए तो हरि बीच में नहीं आते। हाँ, ये तन काचा कुंभ है, फुट तन लागे बार, फटका लागे फुटी परे, गर्व करे वे गंवार। शरीर का गर्व नहीं, अकल होशारी का गर्व न करे। मत कर रे गर्व कुमार, गुलाबी रंग उड़ी जावे को। तुम ईश्वर की प्राप्ति का इरादा बनाओ और ईश्वर सहज में प्राप्त है। जितना सच्चाई और स्नेह और सेवा में तत्परता, उतना ईश्वर का प्रेरणा ज्ञान सामर्थ्य आए। अपने पास जो भी है भगवान के देवी कार्य में झोंक दो तो और मिलता जाए। परहित के लिए झोंक दो, अकल को, होशियारी को, समय को, अपना शरीर का ख्याल रखते हुए तो विकास होता जाएगा। जो मजा लेने को पड़े और अपने को विकारों में झोंक दिया तो झुक जाएंगे, और अपने को सेवा में झोंक दिया तो ईश्वर हो जाएंगे। सीधा गणित है, हैं? एक संत थे, बोले बाबा कभी तो होता है कि मैं ब्रह्म हूँ, चेतन हूँ, कभी कोई बोलता नहीं तू नहीं है। अरे बोले ब्रह्मा जी भी आके बोल दे कि तू जीव है, तू जन्मता मरता है, तो क्या ब्रह्मा जी की बात मानेगा? तू तो जो है सो है। ब्रह्मा जी भी बोल दे तू जीव है तो ब्रह्मा जी तेरा दृश्य है। सपने में ब्रह्मा जी आए और तेरे को बोले तू जन्मेगा मरेगा जीव है, तो आप बोल देना कि आप किसके सपने में प्रकट हुए। ऐसे है, ब्रह्मा जी भी आके बोले कि तुमको साक्षात्कार नहीं हुआ है, तुम अभी जीव हो, तो बोले अच्छा ब्रह्मा जी ठीक है, हमको साक्षात्कार नहीं हुआ, हम जीव हैं और तुम ब्रह्मा जी हो, वो मेरे स्वप्न पुरुष हो। ऐसे महापुरुष होते ब्रह्मा जी को भी। हम हमारे संस्कृत के गुरु जी थे, बड़े सच्चे व्यक्ति थे, बड़े ईमानदार थे। और मेरा तो अभी भी उनको याद करके सिर झुक जाता। 3 बजे उठते, 3:30 बजे नहाते, साबरमती नदी में पैदल जाते स्नान कर। और मैं वहाँ रहता था घर में, तो शादी करा दी तो फिर फंसने का मौका, तो फिर मैं पाठशाला में रहने लग गया। खतरे से बचना है ना, पढ़ने का बहाने से थोड़ा पढ़ा भी संस्कृत में, तभी तो ये बोलते था। मैं बोले हमारे यहाँ काशी में एक ज्योतिषी थे, उनका गणित ज्योतिषी बहुत पक्का था। तो एक बार ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक युवक का रूप लिया और उस पंडित को बोला कि इस सृष्टि के ब्रह्मा जी इस समय कहाँ हैं। तो उसने गणित लगाया, बोले धरती पे है। तो धरती पे तो है, लेकिन धरती तो 200 देश हैं, कहाँ पर है? तो फिर उसने गणित लगाया, बोले इस समय ब्रह्मा जी धरती पे हैं लेकिन भारत भूमि में है। भारत भूमि भी तो बड़ी है, कहाँ पर है? फिर उसने लगाया गणित, बोले काशी क्षेत्र। बोले काशी तो इतना विशाल है। बोले गंगा तट है, गंगा तट भी लंबा चौड़ा है काशी का। फिर
बोले मणिकर्णिका घाट। अच्छा ब्रह्मा जी सृष्टि करता इस समय मणिकर्णिका घाट, वो ब्राह्मण वेश में ब्रह्मा जी पूछ रहे, अंदर से खुश हो रहे, मणिकर्णिका घाट ब्रह्मा जी इस समय? बोले हाँ मेरा ज्योतिष के अनुसार। तो मणिकर्णिका घाट तो कहाँ है? बहुत बड़ा है, इधर तो कहीं दिखते नहीं है। देखा तो दिखते नहीं है, ऐसा बोलने वाले स्वयं ब्रह्मा जी थे। उसने अपना गणित लगाया तो पता चल गया, जो हाथ पकड़ने गया तो ब्रह्मा जी ने संकल्प किया अंतर्धान, अंतर्धान हो गए। ऐसे ऐसे ज्योतिषी इस जमाने में है अपने पास थे। मेरे संस्कृत के गुरुजी बताते थे, और वो गुरुजी मैं अभी भी उनको गुरुजी बोलता हूँ, मास्टर नहीं बोलता हूँ। स्कूल के तो मास्टर थे लेकिन संस्कृत वाला मेरा गुरुजी थे। अभी भी उनको मैं देखूँ ना तो जंप मार के उनके चरण छूँगा। और वो क्या करते, मेरे को बहुत आदर देते थे, प्रणाम करते थे। सुबह जल्दी उठते ना तो जो पाठशाला में विद्यार्थी सोए रहते हैं हॉल में, तो वहाँ चक्कर मारते तो मैं बैठा रहता तो मेरे को प्रणाम करते, वो मेरा बड़ा आदर करते। बोले महात्मा है, ये तो महात्मा है। बोले अभी भी उनका स्मरण करता हूँ तो मेरा हृदय उनके लिए सद्भाव से भर जाता है, इतने अच्छे थे। हे हरि हे प्रभु नारायण हरि हरि हरि। अब युधिष्ठिर महाराज हमारे सामने नहीं है, शबरी देवी नहीं है हमारे सामने, मीरा हमारे सामने नहीं है, लेकिन उनकी बात सुनते ही हमारा हृदय पवित्र होने लगता है। हैं? ध्रुव नहीं है, प्रहलाद नहीं है हमारे सामने, लेकिन उनकी बात सुनते ही, उनका नाम लेते ही हम हमारी मानसिकता उन्नत होती है। और गुंडे और लोफर अभी हमारे सामने नहीं है, लेकिन गुंडे और लोफरों की बात सुने कहें तो हमारा मन खराब होने लगे। हाँ नहीं, ऐसा होता है। अच्छे आदमी का दर्शन चिंतन सुमरण अच्छा ही ले आता है। ऐसे ही वायु दो काम करती है, एक तो हवा लगती है स्पर्श, और दूसरा जहाँ से जाती है वहाँ की गंध लेकर दूसरी जगह बांटती जाती है, वहाँ के परमाणु लेकर बिखेरती जाती। अभी जो वायु चल रही तो जिसके जैसे परमाणु हैं उसके लेके बिखेरती जाती, तो खाली बाहर के नहीं भीतर श्वासोश्वास के भी। तो जो जैसा पुरुष है जितना ऊंचा है उसके भीतर के परमाणु भी उतने ऊंचे, तो हवामान में बिखेरते। तो जहाँ ऐसे ऊंचे पुरुष ज़्यादा रहते तो वहाँ के परमाणु ऊँचे होते, तब ऐसी जगह पर रहने से अपने को अच्छा लगता है, शांति लगती है, क्योंकि उन शांत परमाणु हैं, ईश्वर को छुए हुए परमाणु हैं। पढ़ पढ़ के सर्टिफिकेट अहम का परमाणु नहीं है, सहजता के हैं। डिग्री वाले के परमाणु अलग होते हैं। फिल्म में जाओ एयरपोर्ट पे जाओ तो अच्छा जाने का अहम, आश्रम में जाओ तो सहज में रहने का सद्भाव आता है, क्योंकि वो महापुरुष सहज होते हैं, सरल होते हैं, स्वाभाविक होते हैं। तो दर्शन का हवामान का बड़ा प्रभाव पड़ता है, उनकी परमाणुओं में हम भी वो हवा श्वास लेते हैं। हे हरि श्री हरि। जय दयाल गोविंद का गीता प्रेस गोरखपुर के संस्थापक राम सुखदास जी महाराज ने सीधा भिजवाया, जय दयाल गोविंद का की बेटी ने दही जमाया है, वो कोई साधु ले आए, बोले उन्होंने भेजा है, सेठ जी की बेटी ने दही भेजा आपके लिए। वो भी बहन जी 50 साल की होगी उस समय, मैं अभी तो 65 की हो गई होगी। बड़ी पवित्र बहन जी थी। मैं कहा चलो सेठ जी संत की बेटी ने भेजा है
तो मैं दही ले लिया, बाकी सीधा वापस कर दिया। जब राम सुखदास जी के सत्संग में गया और फिर उनके साथ घूमने गया तो बोले हमने सीधा भेजा था, आपने लिया नहीं। क्या महाराज, मेरे पास था और तीर्थ भूमि में हम दान का क्यों ले, वो था मैं। अरे बोले आपके पास नहीं था ऐसा समझ के थोड़ी भेजा था, हमारे पास नहीं है नहीं है तो कई भीख मांगे बैठे बाहर, हम उधर कहाँ भेजते, हमारे पास कुछ भी नहीं है दे दो दे दो, उधर हम नहीं देते, तुम्हारे को भेजा कि हमारा लग जाए। बोलो हो, और राम सुखदास जी मेरे से 40 साल बड़े थे उम्र में, उस समय की बात। लगभग 40 साल बड़े, 100 साल पूरा करके वो तो चले गए ब्रह्म में, व्यापक हो गए। हम चले जाएं जल्दी उनके पास, ठीक है? नहीं जाएं संत के पास, नहीं जाऊं? अरे राम सुखदास बहुत अच्छे संत थे, उधर नहीं जाऊं, उनसे बिछड़ा रहूं, बिछड़े रहे हम। अरे वो चले कहाँ गए, ब्रह्म में है तो ब्रह्म कहाँ नहीं है, अभी भी है कहाँ जाना ना? ये तो विद्या, सब विद्याओं से ऊंची विद्या है। दुख न होए, शोक न होए, पाप न लगे, अहंकार न होए, जन्म मरण न होए, भगवान दूर न हो, गुरुजी दूर न हो, ऐसी विद्या है आत्मविद्या। भगवान का अनुभव, गुरु का अनुभव, सारे अनुभव हो के विलय हो जाते, फिर भी जो ज्यों का त्यों रहता है, उसी को मैं रूप में प्रकट करने वाली आत्मविद्या है। इस विद्या को जिसने पा लिया वो सर्वोपरि हो जाता है, सर्वोपरि। बाहर से चाहे साधारण दिखे, सर्वोपरि हो जाता है। ये वो विद्या है आत्मविद्या। सब मिलके बोलो, आत्मलाभात् परम लाभम न विद्यते, आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते, आत्मज्ञानात् परम ज्ञानम न विद्यते, आत्मसुखात् परम सुखम न विद्यते, आत्मसुखात् परम सुखम न विद्यते। आत्मसुख से बड़ा कोई सुख नहीं, आत्मज्ञान से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, और आत्मलाभ से बड़ा कोई लाभ नहीं।